हरियाणा के उप मुख्यमंत्री व जजपा सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया के जरिए हरियाणा की समस्त जनता को दिवाली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी और उनकी बातों में प्रदेश के विकास को लेकर के एक उत्साह सुनाई पड़ा। चलिए आपको दिखाते हैं। आप सबको दिवाली के इस पावन पर्व की और प्रदेश में परिवर्तन की एक जो आपने सब ने मिलकर नींव रखी है उसकी राम राम देता हूँ और ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ये पर्व हम सब के घर में मिलकर खुशियाँ लाने का काम करेगा। ये पर्व हरियाणा को समृद्धि और प्रगति के पथ पर ले जाने का काम करेगा। आप सब ने जो मेहनत पिछले 11 महीनों में करी, मैं तहे दिल से एक एक हरियाणावासी का, ख़ास तौर पर हमारे आईटी सेल के साथियों का, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का करता हूँ कि आप सबकी मेहनत का नतीजा है कि प्रदेश के अंदर आज आपने मिलकर एक परिवर्तन की मजबूत नींव कल रखने का काम किया। दिवाली के पावन पर्व पर जो खुशियाँ आप सबके घर में आई हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि आज गोवर्धन पूजा का दिन है, हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम जो हरियाणावासी हैं, मैं हरियाणा सरकार की ओर से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इस साथ आकर जो आज सहयोग हुआ है, गठबंधन हुआ है, इसकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही विश्वास आपको दिलाता हूं, एक नई जिम्मेवारी मेरे कंधों पर आई है। इस जिम्मेवारी के साथ साथ मैं तो एक विश्वास आपके अंदर ज़रूर डालना चाहूँगा कि जवाबदारी भी मेरी होगी और एक एक विषय जो हरियाणा के हित के लिए मेरे संज्ञान में आएगा उस पर कर्मठता के साथ काम कर कर आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहने का काम करूँगा। दोबारा तमाम साथियों को, देशवासियों को, हरियाणा प्रदेशवासियों को दिवाली के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दिवाली की राम राम देता हूं कि प्रदेश प्रगति के पथ पर चले। आप सबका सहयोग चाहिए होगा और मैं उम्मीद रखूंगा आप सब मिलकर, जैसे आप हमेशा मेरे को ताकत देते आए हैं, ताकत देने का काम करें। बहुत बहुत राम राम आपको दिवाली। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।